आज की ताज़ा तरीन खबरें मुमताज़ न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूँ फातिमा। नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद समील मुमताज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास का एलामिया। बानी चेयरमैन इमरान खान की हिदायत की रोशनी में आम इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम के हवाले से मामलात पर तफसीली गौर। कौमी सूबे असम्बली के हतमी टिकट 8 फरवरी को होने होल्डर्स की फहरिस्तों समेत वाले आम इंतखाबात के लिए इनेकात के हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। बदतरीन रियासती जारियत और इंतखाबी अमल में बदतरीन मुदाखलत के बावजूद उम्मीदवारों की जानिब से बड़े पैमाने पर कागजात नामजदगी जमा करवाने और इनकी मंजूरी के लिए कोशिशें काबिल तहसीन है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही 3 नवंबर 2023 में अदालत उज़्मा अपने 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात के फैसले में शफाफ और मुनसिफाना इनेकात का वाज़ेह हुक्म दे चुकी हैं। आम इंतखाबात को 8 फरवरी की मुकर्ररा तारीख से आगे लेकर जाने का मावराए दस्तूर कदम मुल्क को समाजी और माशी बहरान की दलदल में धकेल देगा। तमाम तर रियासती इदारे अपनी आइनी जिम्मेदारी 8 फरवरी को आम इंतखाबात के अदा करते हुए बरवक्त शफाफ और मुनसिफाना निकात को यकीनी बनाने के लिए मौसर इकदाम करें। कोर कमेटी तहरीक इंसाफ आज बिखरे पड़े हैं। इलेक्शन व्हाट इलेक्शन, क्या हो जाएगा इलेक्शन अगर 3-4 महीने बाद हो जाएगा तो क्या, कौन सी मुसीबत है? लेट द इलेक्शन बी इन अक्टूबर, कुछ नहीं होगा। आधे से ज्यादा वक्त काबीना का भी, आधे से ज्यादा वक्त मिनिस्ट्रीज का भी, आधे से ज्यादा वक्त पार्लियामेंटेरियंस का भी, वो भी काम कर रहे हैं तो मुल्क को इस क्वागमायर से निकाल